नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर के नए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने मंगलवार तड़के 5:30 बजे सूरजपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। यह भी नोएडा का एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। नोएडा में इतने सवेरे किसी अधिकारी ने पद लिया हो, क्योंकि यह बात आप लोगों से छुपी नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी हो तो वह टाइम से ही आता है। टाइम से लेट तो हो सकता है, लेकिन टाइम से कभी पहले नहीं आता। यह स्थिति सरकारी अधिकारियों की है मौजूदा सरकार में या मौजूदा समय में। मौजूदा समय क्या, कोई भी सरकार हो, लेकिन जो सरकारी अधिकारी है वो अपने बाप की कुर्सी समझते हैं, तो लेट आना तो पसंद करेंगे लेकिन समय से पहले कभी नहीं आएंगे। लेकिन वाकये को पलटते हुए गौतम बुद्ध नगर के नए डीएम सुहास एलवाई ने इस कथा को पलट दिया है, क्योंकि उन्होंने सुबह 5 बजे ही जाकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिससे कि जनता में काफ़ी खुशी की लहर है और उन्हें भी उम्मीद है जनता को कि नए डीएम है वो अच्छा करेंगे और जनता का ख्याल रखेंगे। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी सुहास ने सुबह 6 बजे SDM प्रशासन, DM वित्त, मुख्य विकास अधिकारी, SDM तहसीलदार आदि से कमरे में जिले का हाल भी जाना। इसके साथ ही नए जिलाधिकारी ने सुबह सभी आला अधिकारियों की बैठक के लिए बुलाया है। प्लानिंग के तहत अब नए DM जनपद में कोरोना वायरस पर लगाम कसने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना संक्रमण से कैसे रोका जा सकता है, इसको लेकर विस्तृत प्लानिंग की जा रही है। इस बाबत उन्होंने अधिकारियों से चर्चा भी की है। DM सुहास ने शहरवासियों को भरोसा दिया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, बचाव ही सावधानी है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि एसेंशियल कमोडिटीज को जिला प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के नए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है जो भी कानून का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने घर पर रहें, और हमारी आपके लिए राय कि इस लॉकडाउन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, गरीब हैं, उन्हें खाने को निवाला नहीं मिल रहा है, भूखे सो रहे हैं बेचारे। तो प्लीज़, अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसे गरीब मजदूर या दिहाड़ी मजदूर या गरीब व्यक्ति दिखें तो प्लीज़ उनके लिए खाने की व्यवस्था कर दें, सैनिटाइज़र से या मास्क की व्यवस्था कर दें, जिससे कि वह अपना पेट भर सके। खाना देंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, वो दुआएं देंगे। और आपके लिए एक राय, प्लीज़ जब तक ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि लॉकडाउन अभी चल रहा है। भारत सरकार का सहयोग करें, क्योंकि आप तो बाहर चले जाएंगे लेकिन आपको नहीं पता कि किस स्थिति बाहर जाएंगे, तो बाहर से कोरोना किसी भी रूप में आपके घर में आ जाएगा, जिससे आपकी फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। तो प्लीज़ घर से बाहर जब तक ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक ना निकलें, घर में रहें, साफ़ सफाई से रहें, साबुन से या फिर सैनिटाइजर से हाथ धोएं। साबुन से अगर आप हाथ धो रहे हैं तो प्लीज़ 20 सेकंड्स तक अपने हाथों को अच्छे से मलें, उसके बाद धोएं। जितनी ज़्यादा के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साफ सफाई से रहें और अपने आँख, नाक, मुंह को छूने से जितना हो सके बचें। आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। धन्यवाद। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।